एपीटीवी भारत आवाज देश की। जनपद लखीमपुर खीरी ग्राम सभा जगन्नाथपुर में एक युवक को चाकुओं से गोदकर जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसके कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल राजेश्वर सिंह अपने खेत जा रहे थे, तभी जमीनी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने राजेश्वर सिंह को गन्ने के खेत में घेर लिया और धारदार हथियारों से मारने का प्रयास किया गया, लेकिन कई ग्रामीण वहां पहुंच गए। तब तक हमलावरों ने युवक को चाकुओं से गोद डाला। ग्रामीणों के आते देख हमलावर वहां से फरार हो गए। पीड़ित के घर वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर ये गन्ना पड़ा था छुला हुआ, वो देखने गया था सर, वहां पे ये देखने गया तो इन लोगों ने घेर लिया, वहां पे इन्होंने मारा। अजयपाल सिंह, संजय सिंह, तोता सिंह, रमेश सिंह, मिथिलेश सिंह और शोरगुल सुन के सर हम यहाँ से गए, तो उसको करीब हादसा से 100 मीटर करीब दूरी पे हमने उसको पाया। ये कुछ खेत का लग रहा था और हमको बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, तो गांव के वहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए। जब हम लोग पहुँचे तो चाचा को वहाँ मतलब जख्मी हालत में पड़ा देखा और ये खून में लहूलुहान थे। हम लोगों ने उनको बाइक पे लादा वहाँ पे और तुरंत लेके प्रधान थाने आए। प्रधान थाने आने के बाद में वहाँ यशो ने रिपोर्ट नहीं लिखी, ना हाथ लगाया, बोला इनको हम यहाँ मतलब कोई रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तुरंत हम लोग लखीमपुर लेकर भागे इनको हॉस्पिटल, यहाँ से इनको फिर रेफर कर दिया गया। इनका खून नहीं बंद हो रहा था कि इनको लखनऊ लेकर जाओ। हम लोग लखनऊ लेकर गए, वहाँ इनका ब्लड जो है वो कंट्रोल में हुआ और उसके बाद फिर यहाँ लखीमपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। पीड़ित युवक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ समय पहले उसने अपने खेत को गिरवी रखवाकर पैसे उधार लिए थे, लेकिन जिनसे पैसे उधार लिए थे उन्होंने उनसे बेमाना करा लिया। इस बात की जानकारी हुई तो पीड़ित ने दाखिला खारिज पर आपत्ति जताई और लखीमपुर न्यायालय में विपक्षियों के विरुद्ध गुमराह करने और फर्जी बैनामा कराने पर मुकदमा दर्ज किया। इसी रंजिश के कारण पीड़ित पर यह हमला किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों के ऊपर उचित कार्रवाई करने की बात भी कही है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि मामला दर्ज होने के बाद भी अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित युवक बहुत ही सहमा हुआ और डरा हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कहना है कि अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं और उसकी जान को खतरा अभी भी बना हुआ है। एपीटीवी भारत के लिए लखीमपुर खीरी से संजय राठौर की रिपोर्ट।